नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मे चैनल को सब्सक्राइब कर दें हैं से हम अपनी नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं दिखाई जाती है जो अपनी बेकरी में बैठी होती है उसके पास कुछ लड़कियां आ रही होती है तो कोई कहती है कि उसको भी, बेकिंग करना, पसंद भी बेकिंग करना पसंद है और मुझे भी पेकिंग करना पसंद है वैनवेन उनसे तंग आके कहती है की अब कोई भी मेरे पास मत आना वैनवेन के बारे में पूछने में किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगी और वैनवेन यहाँ बेकरी में आता भी नहीं है तो तुम लोग क्यों मेरे पीछे पड़े हुए हो इतने में जब सब लड़कियाँ चली जाती है तो वहाँ पर रेंचो आ जाता है रेंचो को देख कर उसको फ्लैश बैक में याद आता है कि जब उस एग्रीमेंट का कहा के तुम इस स्टेटमेंट पर साइन कर दो और फिर हमारे दरमियान जो भी रूमर्स फैले हुए हैं वो सब खत्म हो जाएंगे पर उस टाइम पर रेंचू ने उसे मना कर दिया था तो और कहा था मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता लोग मेरे पीछे से क्या बात करते हैं वैनमेंट कहती है की फ्यूचर में जब तुम्हारी गर्लफ्रेंड होगी उसको हमारे दरमियान ये सब बातों का पता चलेगा तो उसे कितना गुस्सा आएगा तुम्हारा रिलेशन भी खराब हो सकता है रेंचू कहता है की वो फ्यूचर की बात है और मैं फ्यूचर की बात कभी प्रेजेंट में नहीं करता वैनमेंट कहते है तुम्हारी वजह से मेरे ग्रेड्स भी खराब हो रहे हैं रेंचू कहने लगता है अच्छा तुम्हारी ग्रेड्स खराब हो रहे हैं तो तुम्हारे पहले कितने मार्क्स आए थे वो कहते हैं कि सी ग्रेट आया था तो रेंचू कहने लगता है कि तुम पहले कौन से अच्छे ग्रेड लेती थी जो अब अच्छे लोगी प्रेजेंट में वैनवेन वहाँ वैन से जा रही होती है तो रेंचो उसका पीछा कर रहा होता है वैनवेन कहती है की तुम तो मेरे पीछे पीछे क्यूँ आ रहे हो किसी ने हमें फिर से इकट्ठे देख लिया तो पिक्स बना लेंगे और तो फिर से एक न्यू बात बन जाएगी रेंचो कहने लगता है की मेरे पास एक ही रास्ता था तुम्हारे पास आकर सीनियर सिपाही के बारे में जाना वो कहाँ पर है और मुझे एनाटॉमी की क्लास में लेकर जाओ मैंने उनसे जाकर क्लास लेनी है वेनविन पूछने लगती है कि क्या तुमने सुबह में ब्रेकफास्ट किया था कहते हैं की हाँ तो वेनवेन सोचते है कि फिर तो अच्छी बात है और वो कहती है कि क्यों ना हम नंबर एक्सचेंज कर ले मैसेज पर ही बात कर लिया करेंगे और तुमने जहाँ पर मुझे बुलाना होगा वहाँ पर मैसेज पर ही बुला लेना करना ऐसे लोग हम दोनों को इकट्ठा देख कर क्या सोचेंगे की हम सच में रिलेशन में है वर्नवेन जब देखते है की आगे से कुछ लड़ियाँ आ रही है तो अपना मुँह छुपा कर वही पे बैठ जाती है और रेंचो भी फिर उसके पास आके बैठ जाता है और कहता है की चलो आओ मैं तुम्हें अपना नंबर देता हूँ नंबर लेने वाली होती है तो पीछे ऐसी देखते कि कुछ और लड़कियां आ रही हैं उन्हें देखकर वहाँ ऐसी भाग जाती है फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि वो दोनों एनोटमी की क्लास में पहुँचते हैं तो वर्नविन कहने लगती है कि यहाँ पर हमें कोई भी ये नहीं कहेगा कि हम दोनों का रिलेशन है क्योंकि शिपाई को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कौन रिलेशन में या कौन नहीं पर शिपाई भी जब उनकी तरफ देखता है तो कहता है की आज वैसे तुम लेट नहीं आई पर अपने बॉयफ्रेंड के साथ आ गई हो वो ये सुनने के बाद कहती है की मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है जो कहने लगता है की तुमने तो कहा था ये क्वाइट प्लेस है वर्नविन कहने लगती है की अब नहीं है तो फिर वो शिपाई से दोनों हार्ट के बारे में पढ़ने लगे ते हैं और वेन वेलवेन सोचे होती है कि इसको वॉमिट होनी चाहिए क्योंकि ये पहली बार इस क्लास में आया है और जो भी पहली बार आता है उसको थ्रो वॉमिट होती है और यही सोचते हुए वो उसके उसके सामने हार्ट करती है और रेंचू को बताने लगती है है ये सब देखते हुए रेंचो को वॉमिट हो जाती है और वो उसके पिक बना लेते हैं रेंचो कहने लगता है की तुम ये पिक लीड करो प्लीज और वेन हंस रही होती है और असल में ये सिर्फ इमेजिन ही कर रही होती है और जैसा वो इमेजिनेशन में करती है वैसा ही वो रियल लाइफ में भी करने की कोशिश करती है पर रेंचू को कुछ भी नहीं होता कह लगती है कि तुम तो पहले पहली बार आए हो तो तुम्हें वॉमिट कुछ भी नहीं हो रहा सिपाही बताने लगता है कि इसने सुबह में ही वॉमिट कर दी थी इसलिए अब ये ठीक है के सुनने बाद हंसने लगती है सिपाही कहता है कि मेरी गलती थी मैंने सुबह ब्रेकफास्ट इसको इसके बारे में बताना शुरू कर दिया था तभी इसने वॉमिट कर दी थी वेमिन कहती है कि क्या तुमने कोई वीडियो नहीं बनाई कुछ भी नहीं बनाया वो कहता है की भी उस जगह के कैमरे में कैप्चर हुआ हो ये सब वेलविन सोच लेती है की मैं कैमरे ऐसी जाकर इसकी फोटेज ले लूंगी और इसको उस एग्रीमेंट पर साइन करने के लिए भी उस वीडियो के जरिए मना लूंगी वो पढ़ने के बाद फारिक होते हैं तो रेंचू कह रहा होता है कि आज हमारी क्लास है वैनवेन कहती है कि हाँ आज तो क्लासों ने इकट्ठे पढ़ना है और तब कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है पर मुझे लगता है मैं नर्वस हो जाऊंगी और मुझे कोई भी आंसर नहीं आएगा ये कहते हुए वहाँ से जाने लगती तो है तो रेंचू कहता है की नहीं वैनवेन तुम कर सकती हो सुनने तो के बाद वैनवेन वहाँ से चली जाती है क्लास का टाइम होता है तो ग्रुपिंग में पता लगता है की जोशियन वेनवेन और जो एक, एक ग्रुप में है वो तीनों इकट्ठे बैठ जाते हैं क्लास के लिए सबसे पहला क्वेश्चन से पूछा जाता है और वेनवेन कंफ्यूज हो जाते है उसे आंसर बिल्कुल भी नहीं आ रहा होता वो एक ही लाइन को बार बार रिपीट की जा रही होती है तो उसकी जगह पर जोशियन आंस देने लगता है तो बाकी क्लास कहने लगती है कि ये इसका एक्स बॉयफ्रेंड है और आप तो इसका बॉयफ्रेंड रेंचो है ना तो उसे आंस देना चाहिए था ये क्यों दे रहा है ये बातें सुनकर वैं -वैं कहते हैं कि मैम आप मुझसे एक और क्वेश्चन पूछे मैम भी एक और क्वेश्चन पूछ लेती है पर उसको उसका भी आंसर नहीं आ रहा होता क्यूँकी दोनों तरफ तो उसके वो दोनों लड़के बैठे होते हैं तो वो नर्वस हो जाती है उसको इस तरह देख कर रेंचू खड़ा हो जाता है कहता है की मैम आपसे मैंने एक क्वेश्चन करना है रेंचो क्वेश्चन करने लगता है तो उसके बात क्लास ऑफ होने की बेल हो जाती है वेरमिन क्लास के बाद काफी गुस्से में उदास वहां से होकर चली जाती है जोशियन में उसके पीछे भागता है पर इतने में वहाँ पर लेंची आ जाती है और लेंची कहती है कि तुम्हें इतनी जल्दी में कहाँ जाना है वो कहता है की वैरविन नाराज होकर गई है मुझे उसे जाकर कम्फर्ट करना चाहिए लेंशियो उसे नहीं जाने देती और कहती है की उसे भी थोड़ी स्पेस की जरूरत है और वैसे भी वो हमसे दूर रहना चाहती है वेरमेन दिखाई जाती है जो एक जगह उदास बैठे होते उसके पास रेंचू आ जाता है और वो मुझसे कह लगता है की मुझे पता है की तुम्हें आंस आता था वेरमिन कह लगती है कि सबको लगता है कि मुझे आंस का नहीं पता था पर तुम कैसे कह सकते हो कि मुझे आंस आता है रेंचू कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें आंस आता था और फिर वेनमेन कहने लगती है कि तुम यहाँ से चले जाओ कोई हमें इकट्ठे ना देख ले रेंचू कहता है कि क्यों ना हम स्कूल से बाहर कहीं घूमने के लिए चलते हैं जहाँ तुम कहोगी वैनमेन कहते हैं की जब हमने एक दूसरे से सेपरेट ही हो जाना है तो एक दूसरे के साथ घूमने का क्या फायदा रेंचू उसके सामने अपना मोबाइल कहते कहता है की चलो हम वही चैट में एड होते हैं वैनमेन भी उसको अपनी वो चैट में एड कर लेती है और रेंचू उसको एक एमओजी भेजता है है। फिर आगे से एनवेन भी उस एमओजी को खुश होकर देख कर एमओजी में ही रिप्लाई करती है फिर वो एक जगह पर घर की चीजें वगैरह लेने के लिए जाते है जहाँ आरोप को एक सोफा काफी अच्छा लगता है रेंचू कहता है कि ये सोफा इतना एक्सपेंसिव तो नहीं है वैनवेन कहती है की तुम्हारे एग्जाम की तरह जिस तरह तुम एग्जाम कहते हो इतना टफ तो नहीं है रेंचू भी उससे पूछने लगता है की तुम फेल क्यों हो जाती इन सब्जेक्ट में ये तो तुम्हारा मेजर सब्जेक्ट है ना तो वैनवेन बताने लगती है की मैं जोशियन की वजह से इस सब्जेक्ट में आई मैं हमेशा से उसी की क्लास में और उसी की यूनिवर्सिटी में करना चाहती थी इसीलिए उसके पीछे पीछे इस यूनिवर्सिटी में आई पर हमारी क्लास सेपरेट होगी क्योंकि वो काफी लायक बच्चा और मैं इतनी लायक नहीं हूँ बस इसी तरह मैंने एंट्रेंस एग्जाम को पास करके अंदर यूनिवर्सिटी आई थी पर तुम्हें नहीं पता होगा की कि मैंने कितना हार्ड वर्क किया है यहाँ तक आने में क्यूँकी तो एक लाइक बच्चा तुम्हारे लिए एग्जाम इतनी बड़ी बात नहीं है और तुमने तो स्टेटमेंट पर साइन करने से भी मना कर दिया इसलिए मैं जाकर तुम्हारी वॉमिट वाली वीडियो लेकर आऊंगी रंजू कहने लगता है कि चलो चले वेलमेन कहने लगती है कि सॉरी सॉरी मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि तुमने वॉमिट की थी रंजू कहता है कि कि मैं मैं कह रहा साइन करने के लिए तैयार हूँ वापस जाकर उस एग्रीमेंट स्टेटमेंट पर साइन करते हैं या तुम साथ वो स्टेटमेंट लेकर आई हो वेलमैन कहती है की नहीं नहीं हम चलते हैं वापिस जाकर वो दोनों उस एग्रीमेंट पर साइन करते हैं और उस एग्रीमेंट में कुछ बातें लिखी होती है की जैसे हमने पब्लिक प्लेस पे नहीं मिलना और हमने एक दूसरे ऐसी दूर बैठना करना है अपने रूम में जाने के बाद वेलमैन ही उस एग्रीमेंट को पोस्ट करती है पर उसे इतना फायदा नहीं होता तो पेंचओ से मिलने के लिए आती है और उसे कहती है कि तुम अपनी तरफ से भी इस रिलेशन को क्लैरिफाई कर दो कि हम दोनों के दरमियान कुछ भी नहीं है रेंचू नहीं मान रहा होता फिर काफी मनाने पर रेंचू उसकी बात को मान लेता है डॉन लोक होता है तो वेलमिन बाइक जाती है तो बाइक देखते हैं कि विंडो से वैंग रेंचू की कजन किसी को ढूंढ रही होती है तभी पीछे से जाकर वेलविन उसे आवाज देती है और वो कहने लगती है की सिस्टर इन लॉ मेलविन कहती है की मैं तुम्हारी सिस्टर इन लॉ नहीं हूँ बल्कि छोड़ो अभी तुम्हें पता लग जाएगा और कहती है की तुम शिपाई से मिलने के लिए आई हो कहती है की हाँ वो मेरा बॉयफ्रेंड है की क्या वो सच में तुम्हारा बॉयफ्रेंड है इतने में अंदर से रेंचू आ जाता है और कहता है की नहीं वैंग कहने लगते है की तो मैं खुद को तो रिलेशन का पता नहीं है कभी रिलेशन में तो आए नहीं हो अभी या बाद में शिवाई मेरा बॉयफ्रेंड बन जाएगा इतने में अंदर से शिवाई आ जाता है ऐसे वैंक बातें वगैरह करने लगती है और कहती है की मैं तुम्हारी असिस्टेंट बन जाती हूँ कहते है की मैंने पहले से एक असिस्टेंट रखी हुई है वो कहती है की मैं भी मिलना चाहूंगी अंदर जल्दी ऐसी भाग कर जाती है तो वैंग में पीछे से उसे रोकती रह जाती है फिर एंटू कहते है की हमें अब यहाँ से जाना चाहिए इतने में वो जब जा रहे होते तो उन्हें चीख की आवाज आती है और अंदर वैंक दिखाई जाती है जो शिवाय के ऊपर चढ़ी होती है डर कर क्योंकि उसने ऐसी चीजों को कभी भी नहीं देखा था जो लेबोरेटरी में थी और इसको देखकर उसे वॉमिट होने लगती है शिवाही उसे नीचे उतार देता और कहता है कि मेरे ऊपर वॉमिट मत करना उसके लिए कोई चीज टूटा होता है इतने में वह वॉमिट कर देती है और ये कहती है की सॉरी सॉरी मैं इसे साफ भी कर देती हूँ वो कहता है की प्लीज तुम यहाँ से चली जाओ और मैं इसे खुद साफ कर लूंगा पर वो फिर भी नहीं जाती बल्कि बाई से सफाई करने के लिए सामान ले आती है और एक टांग को इतना ऊपर करके सफाई करी होती है तो शिवाही कहता है की तुम इस टाइम से क्यूँ कर रही हो कहती है तुम्हें नहीं पता मैं डांसर हूँ तो मेरे लिए ये कोई इतना मुश्किल काम तो नहीं है ऐसे करना और ये स्टाइल मुझे पसंद है वो कहती है कि मैं और चीज करके दिखाऊं वो अपना एक दूसरा स्टेप उसे करके दिखाती है और फिर वेलमेन दिखाई जाती है जो बेकरी में होती है उससे रेंचू मिलने के लिए आता है उसे एक पिल्लो अपने से दूर दे देती है और कहते हैं कि हमें एक दूसरे से डिस्टेंस रखना चाहिए और जो तुमने मेरे कहने पर एक पोस्ट की थी उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ लोग अभी भी कह रहे हैं कि इन्होंने पर ड्रेस पहने थे और भी लोग बातें कर रहे हैं कि ये अपने रिलेशन को छुपाना चाहते हैं इसलिए कह रहे हैं की रेंचू की कोई गर्लफ्रेंड नहीं है वो कहते कहता है कि इसका मतलब हमें इस बात से नुकसान ही हुआ है फिर अगले सीन में दिखाया जाता है की वैनवेन को एक डिलीवरी आती है उससे वो बिल्कुल भी नहीं उठाया जा रहा होता है क्योंकि वो बहुत भारी होता है लगता है है कि मेरा भी एक एक बॉयफ्रेंड होता है। इतने में सामने से एक लड़का आ जाता है। और उस लड़के का नेम यांग होता है उसे कहता है की लड़कियाँ इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती जितने बॉयज होते हैं और उसके साथ उसकी मदद करने लगता है वेनवेन तो उसे देखती ही रह जाती है घर आकर उसको ओपन करती है और वो एक सोफा होता है उसको देख के याद आता है की ये सोफा तो मुझे वहाँ पर पसंद आया था वालचू को करके कहती है की क्या ये तुमने सोफा भेजा वो कहता है की हाँ मैं थक गया था फ्लोर पे बैठ बैठ कर इसलिए मैं जब भी आऊंगा इस सोफे पे बैठूंगा वो कहती है की क्या तुमने ये मेरे लिए सोफा मंगवाया है वो कहता है की नहीं तुम्हारे लिए नहीं मंगवाया वेरवेन तो खुश हो रही होती है की मेरे लिए मंगवाया था और वेरवेन को मिलने के लिए रेंजू ने बुलाया होता है तो उससे थोड़ा दूर बैठी होती है रंजू कहता है की मैंने एक मैप बनाया है उस मैप से ये मदद मिली है की अभी यहाँ पर हमें कोई भी नहीं देखेगा क्यूँकी यहाँ पर कोई भी नहीं है और ना कोई आएगा वो कहता है की जो हमारे बारे में बातें हो रही है उनको खत्म किया जा सकता है वैरमिन पूछे है की कैसे बताओ जल्दी वो कहता है की हम दोनों में से किसी एक को रिलेशन में आना होगा किसी और लड़के के साथ या लड़की के साथ कहती है क्या तुमने कोई गर्लफ्रेंड ढूंढ ली है वो कहता है की मैंने अपने बारे में बात नहीं की तुम कोई लड़का ढूंढोगी वैरमिन सोचने लगती है की मैं से लड़का ढूंढू कहता है की मैं तुम्हारे लिए बीस लड़कों की पिक्स और प्रोफाइल लेकर आऊंगा जो तुम्हें अच्छा लगे मैं उसको तुमसे मिलवाने की फुल मदद करूंगा ये कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है और नेक्स्ट डे उसको वॉशरूम में मिलने के लिए ता है और वहां पर उन लड़कों की प्रोफाइल वगैरह देता है उन लड़कों की प्रोफाइल देख रही होती है उसमें रेंचू की प्रोफाइल भी होती है वो कहती है की क्या मतलब तुम फिर से एक मौका चाहते हो की मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाऊ रेंचू कहता है की नहीं वो तो मैंने अपनी प्रोफाइल एक फिल्टर के लिए रखी थी फिर मैं सब लड़कों की प्रोफाइल देखने लगती है तो उसमें वो वाला लड़का भी आता है जिसने उसकी सोफा उठाने में मदद की थी और वो उसकी प्रोफाइल देख कर कहती है कि मैं इसी के साथ डेट करना चाहूंगी और इसी को अप्रोच करना है मुझे तो मेरी मदद करना मैं अकेली तो नहीं कर सकती ना असल में तो रेंचू को गुस्सा रहा होता है कि उसने उसको सिलेक्ट नहीं किया था और गुस्से में कहता है कि अच्छा ठीक है और वहाँ से चला जाता है मैम कहने लगती है कि इसको इतना गुस्सा क्यों आ रहा था ऐसा भी क्या हुआ है और यहीं पर हमारी एपिसोड खत्म हो जाती है वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना